बस पांच फार्मूला विद्यार्थी को याद रखना चाहिए। काक्षेष्टा बको ध्यानम स्वान्निद्रा तथयुचा अल्पहारी गृहस्त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ये पांच चीजें विद्यार्थी में होना चाहिए और आठ चीजें विद्यार्थी में नहीं होना चाहिए। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके अतिनिद्रा अतिसेवा विद्यार्थी ही अष्ट वर्जयेत। आठ चीजें विद्यार्थी के लिए वर्जित है। खुलासा कर दूं कि आगे बढ़ जाऊं? खुलासा करूं कि आगे बढ़ूं? बोलो ना, हैं कौन ओढ़े? खुलासा कर दूं? कर देता हूं, अपने बच्चों को सुना देना। काकचेष्टा, विद्यार्थी में कौवा जैसी चतुराई होना चाहिए। जैसे कौवा चतुर होता है, कौवा कैसा चतुर होता है? एक कौवा अपने बच्चे को चतुराई सिखा रहा था कि बेटा यदि आदमी आ रहा हो तो चिंता की बात नहीं है। बोले क्यों पापा? बोले क्योंकि जब आदमी झुकेगा तो समझ लो पत्थर उठाकर तुझको मारेगा। तो आदमी जब झुकने लगे तो चिंता की बात है, जब आदमी झुके तो समझ लेना पत्थर उठा रहा है, तो उठा करके मारे उससे पहले उड़कर भाग जा। तो कौवा के बच्चे ने कहा कि पापा यदि वो घर ही से पत्थर लेकर आए और न झुके वो मार दे तो? तो कौवा ने कहा तेरे को चतुराई सिखाने की जरूरत नहीं है, तू बहुत खिलाड़ी है, बस बात खत्म हो गई। तो ये कौवा के बच्चे के जैसा विद्यार्थी बच्चों को चतुर होना चाहिए, इतना उसके अंदर कैचिंग पावर हो। बको ध्यानम और बगुले जैसा ध्यान लगाओ। जैसे बगुला मछली मारने के लिए ध्यान लगाता है तालाब में, तो एक पैर को उठाए रहता है बगुला और एक पैर से खड़ा होता है, तो देखने में ऐसे लगता है कि बगुला पंगुला है, एक टांग टूटी है ऐसा लगता है, एक टांग में चोट लगी है इसलिए वो टांग रख नहीं पा रहा, नीचे दर्द है उसमें। दर्द नहीं है, चोट नहीं है, टांग टूटी नहीं है, बगुला इसलिए टांग उठाकर रेडी है कि मछली सामने आए तो टांग उठाना भी ना पड़े, उठी हुई टांग और चोंच एक साथ पानी में डुबाना है। अगर टांग उठाओगे पानी से तो पानी हिलेगा तो मछली भाग जाएगी, इसलिए टांग उठा के ऊपर रेडी रखो और चोंच भी डुबाओ तो मछली पकड़ो, पाँव भी साथ में डुबाओ, इतना चतुर है बगुला। तो बगुले जैसा ध्यान, जैसे बगुला मछली पकड़ने में ध्यान लगाता है, ऐसे ध्यान लगा करके अपने स्कूल के सब्जेक्ट के विषयों को अपने अंदर प्रवेश करो। बको ध्यान स्वान निद्रा, और विद्यार्थी की नींद कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। कुत्ते की नींद कैसी होती है? कुत्ता सो रहा हो उसके पड़ोस में निकलो तो कुत्ता आँख खोलकर देख लेता है और फिर आंख बंद लेता है। और कुत्ता बड़ा होशियार होता है, उसका नाम कुत्ता इसलिए है क्योंकि आदमी को देख करके वो कूद लेता है। कूद लेना माने ताड़ लेना, ताड़ माने अंदाज लगा लेना, अंदाज लगाना आइडिया लगा लेना, आइडिया माने समझ लेना, समझ लेना माने उसको रीडिंग कर लेता कि आदमी कैसा है। जो रीडिंग करना जानता है उसका नाम कुत्ता है। तो कुत्ता आँख खोल कर देख लेता है और ताड़ लेता है, कूद लेता है कि आदमी ठीक है, तो फिर सो जाता है। उसको लगता है आदमी गलत है तो छलांग मारकर भौंकता है जोर से और अपने मालिक को सूचना देता है कि आदमी गलत है, अब आप देख लो आकर के, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है, बाकी इससे लड़ने का सामर्थ्य हमारे नहीं है, तुम भिड़ो आकर, ये चोर आया है। वो सूचना देता है कि ऊट पटांग आदमी लग रहा है। कुत्ते जैसी नींद हो, और कितने लोगों की तो नींद ऐसी है कि आदमी पड़ोस निकले चाहे भैंस निकल जाए पड़ोस, उनकी आँख खोलेगी नहीं, और चाहे हाथी उनके ऊपर पाँव रख दे वो मर जाएंगे फिर भी नहीं खोलेगी आँख, कुंभकर्ण की तरह सोते हैं। विद्यार्थी की नींद खट से टूटनी चाहिए। और अधिक सोने से कोई बहादुरी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं खूब सोऊंगा तो संसार में हमको लोग बहादुर इंसान कहेंगे, बहादुर नहीं मक्कार कहे जाओगे। बहुत अधिक सोने से
कोई विकास होने वाला नहीं है, शांति मिलने वाली नहीं है, और घर में कलह कलेश बढ़ेगा, कहना सुनना बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगी, बकवास होगी, और गरीबी घर में आ जाएगी। सवेरे नहीं जागोगे, घर के जानवर भी खूंटा उखाड़ कर चले जाएंगे और तुम्हारा घर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को जागने में अलर्ट होना चाहिए, समय पर जाग जाओ, भले एक घंटे कम सोने को मिले। आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं वे 9:45 पर सोते हैं और 4:45 पर जागते हैं, फिक्स टाइम उनका है। और सवेरे मूली गाजर सलजम चुकंदर सलाद खाते हैं, खीरा ककड़ी नमक मिर्च मिलाकर खाते हैं, ये समोसा और पकौड़ी नहीं खाते हैं। और तुम सवेरे उठकर क्या खाते हो? समोसा और चाय। इसलिए तो दिमाग है ही नहीं, खोपड़ी रह गई खाली। ये चीज़ खाओ, देखो फिर आपका दिमाग तेज होगा। ये कचपच ज़्यादा मत खाया करो, महीने में एक दिन खा लो तो 10 पेट खराब रहेगा, सुधारते रहो। खाना है तो ये हरी भरी चीज़ें खाओ, एक केला रोज खाओ, केला आपके पेट के एसिड को मार देगा। एक संतरा चूस लो, आपकी प्यास को ख़त्म कर देगा। थोड़े अंगूर खा लो, आपकी बॉडी में ग्लूकोज की पूर्ति कर देगा। थोड़ा टमाटर खा लो, आपके शरीर के अंदर पाचन तंत्र को एक्टिवेट कर देगा। थोड़ा सा खीरा खा लो, आपकी भूख बढ़ा देगा। थोड़ा मूरी खा लो, आपकी कब्जियत ख़त्म कर देगा। थोड़ी गाजर खा लो, आपके अंदर खून बढ़ा देगा। और क्या खा लो, कुछ मत खाओ, इतना बहुत है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथयुचा अल्पहारी, और विद्यार्थी को अल्पहारी होना चाहिए, भूख से कम भोजन करना चाहिए, ठूस ठूस कर नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ्यागी और विद्यार्थी को, जब तक विद्यार्थी जीवन है तो शादी भी मत करो, ना तो संसार की विषय भोग करो, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। गृहस्थ त्यागी, ब्रह्मचर्य में इतनी शक्ति है, इतनी मेमोरी स्ट्रांग होती है, आप तेजस्वी भी बनोगे, ओजस्वी भी बनोगे, तपस्वी बनोगे। ब्रह्मचर्य, आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। अपने तेज को संहारो तो सही, देखिए कितनी बुद्धि कुशाग्र होगी आपकी। एक बार जो देख लोगे खट से याद हो जाएगा। इस अपनी शक्ति को संभालो। तो विद्यार्थी को त्यागी भी रहना चाहिए। ये गंदे पिक्चर मत देखो, गंदे सीरियल मत देखो, गंदे गाने मत सुनो, सैया बलमों के ये गोटेदार लहंगा, निकलो जब डाल के तलवारें चल जाएं मेरी मतवाली चाल पे, ये फालतू बातें मत करो। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे शय के लिया। ये सब गीत मत गाओ, मन को बस में करना है। और प्रवचन सुनो। अभी एक विद्यार्थी का फोन आया था कि 10वीं में मैं 3rd division पास हुआ, इंटरमीडिएट में 2nd division और BSc में 1st division आया मैं। तो मैंने कहा कैसे? बोले 2 से आपका प्रवचन सुन रहा हूँ, बिल्कुल मन नियंत्रित है और संकल्प लिया हूँ IAS बनूँगा, कलेक्टर बनूँगा। मेरी माँ कहती है अब लगता है तू कलेक्टर बन जाएगा। बोले पक्का, कोई संदेह नहीं, एक बार में परीक्षा क्रॉस करूँगा। कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर होना चाहिए, तुम्हारे पास में बहुत बड़ी बुद्धि का खजाना है। तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी शक्ति यत्र तत्र बिखर जाती है, इसलिए तुम साधारण रह जाते हो। अपनी बुद्धि को एकाग्र करके यदि अपने विषय में शिक्षा में केंद्रित कर दो तो तुम एक नया चमत्कार कर सकते हो, इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ सकते हो।